गड़ियाबंद के देवभोग में नेता और डॉक्टर की लड़ाई के बीच मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डॉक्टर और स्वास्थ्य अमले ने भाजयुमो जिलाध्यक्ष पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन वही भगवान अब इलाज नहीं कर रहे बल्कि राजनीति लड़ाई में फंसे हुए हैं और भाजयुमो जिला अध्यक्ष के गिरफ्तारी के साथ ही अपनी सुरक्षा की गारंटी की मांग को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल कर दी है। मामला बीती रात का है, जहां भाजयुमो जिला अध्यक्ष अपने परिजन को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन छोटी सी बात को लेकर डॉक्टर्स और भाजयुमो जिला अध्यक्ष के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि देर रात दोनों ही पक्षों को थाने पहुंचना पड़ा। चले जाओ, निकलो, हॉस्पिटल बंद रहेगा दो दिन तक, बोला। खुद हमारा गोलिया बिस्तर बांध के निकाल दिया। मरूंगा कि जीऊंगा मैं, चलने में तो एम्बुलेंस ने मेरे को लाया घर जाके, और फिर पहुंचा, बोले कौन पहुंचाता है यहाँ पे। बोतल चढ़ाने आए थे 9 बजे, यहाँ पे डॉक्टर लोग बंद कर रहे हैं, अस्पताल नहीं हो रहा है। बता दें कि डॉक्टर और अन्य स्टाफ योगी राज पर बीती रात के अलावा आए दिन इसी तरह दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं। रात की बात को लेकर और आए दिन हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। देवभोग अस्पताल के सभी वार्ड्स में सन्नाटा पसर गया है। ओपीडी और दवा काउंटर भी बंद है। भर्ती मरीजों को भी अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भाजयुमो जिला अध्यक्ष अपना अलग ही तर्क दे रहे हैं। वोमिटिंग की कंप्लेन से पेशेंट आया था, मैं उसका उपचार कर रहा था। मुझे जो उनके साथ व्यक्ति आए थे योगी राज जी, उनके द्वारा अपने हिसाब से उपचार करने के लिए दबाव डाला गया। मुझे ज़बरदस्ती सीजी निकालने के लिए कहा गया। उसके बाद जब मैंने उसके लिए मना किया तो मेरे साथ बहस की गई, धक्का मुक्की की गई। बाद में मुझे ये कहा गया कि तुम तो यहाँ बाहर से आते हो, मैं यहाँ का लोकल हूँ, तुमको देख लूँगा बाहर निकल के। जान से मारने की धमकी दी गई कि तुमको यहाँ कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। ऐसी बहस की, फिर सिस्टर जी लोग थे उनके साथ भी बहस की, पहले भी वो पूर्व में ऐसी घटना कर चुके हैं। चल गए तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं था, तो फिर इनकी रवैयों को देखते हुए हमने तत्काल जा करके थाना परिसर में FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन दिए। उसके बाद हमने धर्मगढ़ जा करके उस मरीज का जांच कराया। जाने के पूर्व मरीज बेहोश हो गया था और चक्कर आ रहा था, तब वृतांत को बताया, और वही डॉक्टर स्वतः अपने मन से ECG जांच करने के लिए, और मैं अगर ECG जांच करने के लिए यहाँ के छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों को बोल दिया तो इतना बड़ा तिल का ताड़ बना करके ये प्रशासनिक दबाव बना रहे। तो यहाँ पर एकाएक बिना अल्टीमेटम दिए, बिना चेतावनी दिए, आप स्वास्थ्य सुविधाओं को बंद करा करके सारे मरीजों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है। इसके ऊपर संज्ञान होनी चाहिए। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जो आरोप उन्होंने लगा रहे हैं, मेरे पास भी वीडियो है, फुटेज है। मामला गंभीर है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। हद तो तब हो गई जब भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर्स ने ओपीडी में भर्ती मरीजों को भी बाहर निकाल दिया, पर अभी तक ना तो कोई अधिकारी वहां पहुंचा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। ऐसे में अस्पताल के साथ ही भर्ती मरीज भगवान भरोसे हैं।